दोस्तों रामचरितमानस में बड़ी ही मनमोहक चौपाई आती है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। अर्थात सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। इस व्याधि से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं, जैसे काम वात लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते। हमेशा आगे बढ़ने के लिए इन चीजों को त्यागना जरूर चाहिए, त्याग जरूर देना चाहिए। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद हिंदुस्तान। मैं अतुल महिंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी का इस मोटिवेशनल सेशन में, जहां घड़ी ने 6:15 बजा दिए हैं और आपके अपने अतुल सर आपसे मुखातिब होने के लिए तैयार है। दोस्तों रोज की तरह मैं फिर से आज अध्यात्म की ही बात करूंगा, आज अपने शास्त्रों की बात करूंगा, अपने वेद ग्रंथों की बात करूंगा, जहां आपको भी उतनी ही रुचि लेनी चाहिए जितनी रुचि के साथ मैं इस सारे वीडियोस को बनाने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों आज हम फिर एक ऐसी मनमोहक कहानी के बारे में चर्चा करेंगे जहां पे हमें जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और उसे हम अपना जीवन और भी ज्यादा सफल बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में प्रभु श्री राम और माता सीता का एक ऐसा प्रसंग बताया गया है जो प्रत्येक दंपति के लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों प्रसंग कुछ ऐसा है कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता 14 के वनवास के लिए अयोध्या से निकलकर निषाद राज के साथ गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां उन्हें केवट मिलता है। श्री रामचरितमानस में ये बात लिखी गई है कि मांगे नाव न केवट आना, कहां ही तुम्हार मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूं सब कहां ही, मानुष करन मूर कछु अही, छुअत शिला भई नारी सोहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई, तरनिव मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। इस चौपाई में बताया गया है कि श्री राम गंगा पार करने के लिए केवट से नाव मांगते हैं, लेकिन केवट नाव लेकर नहीं आता है। केवट श्री राम से कहता है कि मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है, सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारे पैरों की धूल से एक पत्थर सुंदर स्त्री बन गई थी, मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं इस नाव पर तुम्हारे पैर पड़ते ही ये भी स्त्री बन गई तो मैं तो लुट जाऊंगा, यही नाव मेरे परिवार का भरण पोषण करती है। केवट श्री राम से कहता है पहले मुझे तुम्हारे पैर पखारने दो, यानी पैर धोने दो, उसके बाद मैं नाव में तुम्हें गंगा पार करवा दूंगा। जब केवट ने श्री राम के पैर पखारने की बात कही तो श्री राम भी इस बात के लिए राजी हो गए। केवट ने श्री राम के पैर धोए। इसके बाद केवट ने श्री राम, लक्ष्मण, सीता और निषाद राज को अपनी नाव में बैठा कर नदी पार करवा दी। गंगा नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच कर श्री राम और सभी नाव से उतर गए। तब श्री राम के मन में कुछ संकोच हुआ, जिसके लिए श्री रामचरितमानस में चौपाई आती है कि पिय ही कीसी जाननी हारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, कहे हु कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। इस जगह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब सीता ने श्री राम के चेहरे पर संकोच के भाव देखे तो सीता ने तुरंत ही अपनी अंगूठी उतारकर उस केवट को भेंट स्वरूप देनी चाहिए, लेकिन केवट ने अंगूठी नहीं ली। केवट ने कहा कि वनवास पूर्ण होने के बाद जब लौटते समय आप आएंगे तो मुझे जो भी देंगे वो मैं सहृदय स्वीकार कर लूंगा। दोस्तों यहाँ सीता जी द्वारा किया गया क्रियाकलाप थोड़ा सा समझना चाहिए। जब भगवान श्री राम थोड़ा सा संकोच कर रहे थे कि केवट ने हमें गंगा नदी के इस पार छोड़ दिया, अब उसने इतनी मेहनत की, हमारे पैर पखारे, हमें नाव में बिठाया और गंगा नदी पार करा दी, अब हमें इसे कुछ न कुछ देना चाहिए, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए श्री राम वहां पे संकोच कर रहे थे। एक पत्नी ने अपनी भूमिका निभाते हुए, एक पत्नी ने अपनी उचित भूमिका निभाते हुए चेहरे के भाव को पढ़ लिया, अपने पति के चेहरे के भाव को पढ़ लिया और देखा कि मेरा पति संकोच कर रहा है कि आखिर मैं इस केवट को
क्या दे सकता हूँ जिसने हमें नदी पार कराई है। तो वहाँ पे सीता मैया ने तुरंत अपनी अंगूठी निकाली और तुरंत पति के हाथ में रख दी और कहा कि ये दे दो केवट को, उसने हमें नदी पार कराई है। केवट ने उसे लिया नहीं लिया ये एक अलग बात है, लेकिन पत्नी ने अपने पति के जिस भाव को समझकर विपत्ति में समस्या में हर तरीके से साथ देने के लिए तैयार रहे, वही भारतीय नारी है और यही हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं। इस प्रसंग में पति और पत्नी के लिए गहरा संदेश छिपा हुआ है। इस संदेश को समझ लेने पर वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं आती हैं और आपसी तालमेल बना रहता है। सीता ने श्री राम के चेहरे पर संकोच के भाव देखते ही समझ लिया कि वे केवट को कुछ भेंट देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। ये बात समझते ही सीता ने अपनी अंगूठी उतार कर केवट को देने के लिए आगे कर दी। यह प्रसंग बताता है कि पति और पत्नी के बीच ठीक इसी प्रकार की समझ होनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में दोनों की आपसी समझ जितनी मजबूत होगी, वैवाहिक जीवन उतना ही ताजगी भरा और आनंददायक बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि जब पति और पत्नी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, उन परिस्थितियों में एक दूसरे के हाव भाव को देख कर भी मन की बात और इच्छाओं को समझ लेना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस तरीके की बातों से आप अपने जीवन को और सफल बनाने के लिए और क्या क्या तरकीब हो सकती है उन पर जरूर विचार करेंगे और जीवन को सफल और समृद्ध बनाएंगे। तो आशा करता हूँ कि इस तरीके के आध्यात्मिक बातें आपको जरूर अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही होंगी तो ऐसे ऑडियो को जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इन ऑडियो को सुने और अपने जीवन को और भी ज्यादा समृद्धशाली बनाने में लग जाए। तो दोस्तों, यही कहूंगा कि अगर आपके पास भी ऐसे कोई प्रेरक कहानी है, शास्त्रों के जरिए आपके माँ बाप भी आपको ऐसा कुछ समझाते हैं या उनके पास कुछ ऐसी कहानी है, तो जरूर मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल मोटिवेशनल गुरु अतुल सर पर जरूर भेज दें ताकि मैं उसे लेके आऊं पूरी दुनिया के सामने। तो आशा करता हूं कि ऐसे आध्यात्मिक मोटिवेशनल आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते होंगे और आगे भी मैं ऐसे ही बनाता रहूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मस्त रहें, खुश रहें, सलामत रहें, ऐसे ही खिलखिलाते और मुस्कुराते रहें और सदा खुश रहें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।